नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर उनके जीवन में पैसों का घमंड होता है, ऐसे लोग ही अपने जीवन में अकेलेपन और दुखों के शिकार होते हैं। ये बात सच है कि आप लोग पैसों से इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये भी उससे बड़ा कटु सत्य है कि पैसों से आप लोग अपने जीवन में सब कुछ नहीं कर सकते। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उन 7 चीज़ों के बारे में जिन्हें आप लोग पैसे देकर भी कभी नहीं खरीद सकते। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, दोस्तों पैसों से आप लोग इस दुनिया में ऐशो आराम खरीद सकते हैं, अपने लिए कई तरह के लोगों को भी रख सकते हैं जो कि आपके मनोरंजन का साधन बने। लेकिन ये एक कटु सत्य है कि पैसों से आप लोग कभी भी एक सच्चा दोस्त नहीं खरीद सकते, क्योंकि एक सच्चा दोस्त कभी भी पैसों से नहीं बल्कि प्यार से बनता है। नंबर 2, दोस्तों पैसों से आप लोग 24 घंटे खुश रह सकते हैं, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि उसी 24 घंटे में से सिर्फ एक पल भी आप लोग इस पूरी दुनिया की दौलत को लगा करके नहीं खरीद सकते, क्योंकि समय कभी भी किसी के हाथ में नहीं रहता है। इसका काम हमेशा चलते रहना है और ये हमेशा चलते रहता है। इसी कारण से इस बात को कहा जाता है कि आपकी दौलत एक बार चली गई तो आ सकती है, लेकिन एक बार अगर आपका समय बीत गया तो वो फिर कभी भी लौट के नहीं आएगा। नंबर 3, दोस्तों पैसों से आप लोग अपने लिए अपने सपनों का घर तो खरीद सकते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो घर उसी को कहते हैं जिसमें आप अपने माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हो। इसके बिना तो दुनिया की हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ इमारत है, क्योंकि रहने के लिए सिर्फ घर ही नहीं होता, घर के अंदर प्यार भी होना चाहिए। घर के अंदर आपके अपने प्रियजन भी होने चाहिए, क्योंकि रहने को तो इंसान होटल में भी रह सकता है। नंबर 4, दोस्तों इस बात को कहा जाता है कि जब भी इंसान अपने जीवन में पैसा कमाने लगता है, उसके अंदर धीरे धीरे घमंड आने लगता है और उसके अंदर से करुणा और दया की भावना खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इंसान के अंदर आत्मीयता नहीं होती है तो ऐसा इंसान अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक क्रूर व्यक्ति बन करके रह जाता है। अगर आपका दिल किसी गरीब को देख करके नहीं पसीजता, आप किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर से आत्मीयता खत्म हो चुकी है और आत्मीयता कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। नंबर 5, नैतिकता। दोस्तों नैतिकता एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें जीवन में इस बात को बताती है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। नैतिकता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें जीवन में हमेशा ही अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन जब इंसान पैसा कमाने लगता है तो उसके अंदर लालच और बेईमानी भर जाती है, जिस कारण से उसकी आत्मीयता मर जाती है और वो पैसा कमाने के लिए गलत तरीकों का भी सहारा लेता है। इसी कारण से इस बात को कहा जाता है कि आत्मीयता के साथ साथ इंसान के अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए, और नैतिकता और इंसानियत ही इंसान को उसके जीवन में आगे बढ़ाती है जो कि कभी भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। नंबर 6, आंतरिक शांति। दोस्तों आप सब लोगों ने इस बात को देखा होगा कि दुनिया में बहुत से ऐसे पैसे वाले हैं जिनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मन अशांत रहता है और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों आपके पास चाहे इस दुनिया की कितनी ही दौलत क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोग आंतरिक तौर पर खुश नहीं हैं, आंतरिक तौर पर शांत नहीं हैं, तब आपका पैसा किसी काम का नहीं है। इसी कारण से तो कहा गया है कि आप लोग इस दुनिया की चाहे कितनी ही दौलत क्यों ना कमा ले, लेकिन आंतरिक शांति को आप लोग कभी भी पैसों से नहीं खरीद पाएंगे। नंबर 7, दोस्तों पैसों से आप लोग अपने लिए ऐसे लोग रख सकते हैं जो कि आपके मनोरंजन का काम करे, आपकी झूठी तारीफ करें, लेकिन ये पूरी तरह से सच है कि पैसों से आप लोग कभी भी एक वफादार इंसान को नहीं खरीद सकते। दोस्तों वफादार इंसान हमेशा ही आपके सुख के साथ साथ आपके दुख में भी काम आता है और कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करता। इसीलिए कहा गया है कि पैसों से इंसान अपने लिए कई लोगों को तो रख सकता है, लेकिन उन्हीं लोगों में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो कि सच्ची तरह से अपने मालिक के प्रति निष्ठावान हो, क्योंकि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसे कभी भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता।